एक बार फिर पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। एक बार फिर दुनिया की बड़ी शक्तियां मानने लगी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के आगे नहीं झुकते। इस कड़ी में सबसे आगे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने पर मोहर लगा दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पीएम मोदी के अटल इरादों के आगे अंतर्राष्ट्रीय दबाव विफल हो गया है। आखिर कैसे पुतिन ने ही पीएम मोदी की गारंटी की गवाही दी है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है, वो इससे साफ होता है और इसके लिए आपका बहुत आभारी। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas. आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। I think that will only benefit us and it will only help us in developing logistics. भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। You will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. ये वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी का दम है। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी के धाक है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का वो प्रमाण है जिसका हर कोई कायल बन गया है। पिछले दो सालों में दुनिया ने बड़ी उथल पुथल देख ली। Мне трудно давать какие-то оценки. Putin takes Ukraine. He won't stop there. The attacks on NATO allies. अब भी दुनिया के दो हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका से लेकर रूस तक, चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक। दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ एक तस्वीर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। चाहे दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, पॉपुलैरिटी की अप्रूवल रेटिंग देने वाली कितनी ही संस्थाएं हो, सभी ने माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर है। पीएम मोदी ने देश को विकास की गारंटी दी है और प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी पर गवाही की मोहर लगाई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने खुलकर कह दिया है, आज अगर भारत और रूस के संबंध सबसे बेहतर हैं, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की गारंटी है। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. कोई यूं ही किसी की तारीफ नहीं करता, और जब पुतिन जैसी शख्सियत किसी के बारे में कोई अच्छे शब्द कहती है तो उसे पूरी दुनिया सुनती है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में वो हेडलाइन बनती है, और इस बार भी मौका बहुत बड़ा था। पुतिन मॉस्को में आयोजित 14वें वीटीवी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में बोल रहे थे। ऐसे में उनकी कही गई एक एक बात पर पूरी दुनिया की नजर थी, और यहाँ पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के खुलकर तारीफ करके सबको चौंका दिया। दुनिया जानती है रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारत के स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। भारत पर भी जबरदस्त दबाव था, क्योंकि एक तरफ था भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस और दूसरी तरफ रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का ही दम था कि जंग के बीच भारत ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा, वो भी लगभग आधी कीमत पर।
और अमेरिका भारत के खिलाफ उंगली तक नहीं उठा सका। ये बात पुतिन भी अच्छी तरह जानते हैं। पुतिन को भी पता था कि भारत पर कितना दबाव है। भारत न रूस को नाराज करने का रिस्क ले सकता था और न ही अमेरिका से संबंध खराब कर सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति ने कमाल कर दिखाया और ये बात खुद पुतिन ने इन्वेस्टमेंट फोरम में दुनिया के सामने कह दी। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. अगर पुतिन खुद कहें किसी देश पर कोई दबाव था तो इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर भी दबाव होगा। लेकिन पीएम मोदी ने किसी की फिक्र नहीं की, सिर्फ देश हित में फैसले लिए। इस बीच कई देशों ने भारत का विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ सका। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल होने को हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो न्यूट्रल हैं। न वो रूस का समर्थन कर रहे हैं और न ही यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत के स्टैंड को सभी ने स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने करीब 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि हालात बेहद नाजुक हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। पीएम मोदी शांति की बात करते हैं, एक तरफ पुतिन को सबसे बेहतर दोस्त बताते हैं तो वही पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि आखिर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के क्या मायने हैं, इसीलिए उन्होंने खुद जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी से बात करने के लिए 5 बार फोन कॉल किया। लेकिन पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, भारत और रूस के रिश्तों पर पूरी दुनिया में बात होती है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर बता दिया कि भारत के लिए रूस की क्या अहमियत है। Have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, one month, one year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. Often I see the problem defined in a way as though somewhere there's some handicap that India has by having this relationship. This relationship has saved us at times. Just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. यानी भारत और रूस के दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। ये दोस्ताना 60 साल पुराना है और ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने पीएम मोदी के लिए अच्छे शब्द कहे हैं। पुतिन पिछले कुछ महीनों में कई बार पीएम मोदी का नाम लेकर तारीफ कर चुके हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने पीएम मोदी को बेहद बुद्धिमान कहा था। We do hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. राष्ट्रपति पुतिन के मुंह से निकले एक एक शब्द के मायने हैं।
कहते हैं डिप्लोमेसी में फुल स्टॉप और कॉमा का भी महत्व होता है। ऐसे में पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी के खुलकर तारीफ करना दुनिया के लिए एक संदेश है। वो भी तब जब भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका समेत यूरोप के कई देश शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने कहा था कि उन्हें इस कॉरिडोर से कोई दिक्कत नहीं है। It will only benefit us and it will only help us in developing logistics. At the same time, the additional movement of cargo along this corridor is basically a complement. पुतिन ने तब कहा जब हाल ही में भारत ने दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया। दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर्स दौड़े चले आए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड, भारत की विदेश नीति। जंग शुरू होने के बाद करीब 2 सालों में दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन भारत लगातार तरक्की करता रहा। भारत का मिशन मून कामयाब रहा। भारत ने सूरज की तरफ भी आदित्य L1 को भेज दिया। रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ गया। जो भारत हमेशा से ही हथियार इंपोर्ट किया करता था, अब वो दुनिया के बड़े आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो गया है। और एक दिन पहले ही भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारत ने उस अग्निवन मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी रेंज भले ही कम हो, लेकिन इससे चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। अग्निवन मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की सबसे शानदार और घातक मिसाइल्स में से एक है। अब इसकी खूबियां भी जान लीजिए। इसकी रफ्तार है 9000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रेंज है 1200 किलोमीटर, वजन 12000 किलोग्राम, लंबाई 15 मीटर, इसकी वॉरेड क्षमता है 1000 से 2500 किलो। 4, 3, 2, 1, 0। ये वो घातक मिसाइल है जो धरती की सतह से 370 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यानी भारत शांति का संदेश भी देता है तो वही खुद की रक्षा में भी समर्थ है, और मेक इन इंडिया के तहत बनी यह मिसाइल इसकी मिसाल है। वही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो भारत के मेक इन इंडिया के मुरीद हैं, और यह बात वो खुलकर कह चुके हैं। मौजूदा वक्त में जब वर्ल्ड डिप्लोमेसी बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रही है, इन हालात में भी डंके के चोट पर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस तरह दुनिया के सेंटर में रहकर वर्ल्ड डिप्लोमेसी को लीड कर रहा है, और यह आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी झलकता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है, और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। ये विश्वास ही पीएम मोदी के जबरदस्त लोकप्रियता का प्रमाण है। यही वजह है कि दुनिया भर की ग्लोबल एजेंसीज में पीएम मोदी पिछले कई सालों से शिखर पर बने हुए हैं। चाहे वो प्यू रिसर्च सेंटर हो या फिर पॉनिंग कंसर्ट, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रियता के शिखर पर बताया है। और ग्लोबल लीडर्स के साथ दोस्ती की चंद तस्वीरें बताती हैं कि आखिर क्यों हर देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। आज पीएम मोदी की नीतियां सबके लिए जरूरी हो गई हैं, विदेश नीति हो या विश्व नीति। आज पीएम मोदी की तारीफ दुनिया की हर शक्ति करती है, और इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल हैं। Invest in low and middle income countries, all countries benefit. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. So I want to thank you again for being here. I look forward to working with all of you, and I'm going to turn it back to the Prime Minister. यानी आप खुद समझ सकते हैं
आखिर प्रधानमंत्री मोदी का कद वर्ल्ड लीडर्स में कहां पर है? दुनिया की महाशक्तियों को एक प्लेटफॉर्म पर एक विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। वो भी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बदलते और आगे बढ़ते भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है और यही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।